Good morning students. Yesterday we did explanation and reading part of lesson number 2 in science. आज हम written work करेंगे copy में. So take out your science copy. Write today's date. Lesson 2 uses of plants. जहाँ पे आपने lesson 1 finish किया था उसके next page से आप start करेंगे. So come to the exercise. Fill in the blanks. ये कल हमने book में भी की थी. I am explaining you again. फिर से explain कर रहे हैं हम आपको. We get tea from the dash of the tea plant. Tea plant के हमें tea से tea कहाँ से मिलता है? कौन से part से? Leaf से. Sugar is made from juice of sugar. कहाँ से मिलती? We get it from sugarcane. Juice from the stem of acacia gives us. Acacia plant का juice क्या होता है? It is the gum. Gum होता है वो. Potato is a stem. Now name the parts of the plant. आपको plant का part बताना है कि ये चीज़ कौन सा part है. Apple क्या होता है? Apple is fruit. Apple plant का fruit part होता है. Lettuce is your leaves. Carrot is root. कैरेट जो होती है, गाजर, वो जड़ होती है. वीट सीड्स होती है. शुगर केन एक स्टेम होती है. टोमेटो एक फ्रूट होता है. नाउ सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच ग्रुप. आपको इसमें से देखना है कौन सा सबसे अलग है, उस पर आपको सर्कल करना है. ऑड मीन्स जो ग्रुप में सबसे अलग हो. मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, रोज, ये तीन आपके फ्रूट्स हैं. बट दिस इज अ फ्लावर. रोज इज अ फ्लावर, सो यू विल एनसर्कल इट. कॉटन, जूट, टी, कोकोनट, ये सब आपके प्लांट्स हैं. और ये आपका वुड होता है, तो ये आप इनसर्कल करेंगे. राइस, ग्राउंडनट, वीट, मेज, ये सब आपके फूड होते हैं, सीड ग्रेन्स होते हैं. बट ग्राउंडनट सीड नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको इनसर्कल करेंगे. स्पिनच, लेटस, जिंजर, कैबेज, ये सब आपके लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं. बट जिंजर एक स्टेम होता है, तो ये आप इनसर्कल करेंगे. चिल्ड्रेन, सो दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे. आपको ये ऐसे करना है, टू बेचेस में वर्क करना है. और जहाँ पे आप उस लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन टू यूजेस ऑफ प्लांट्स का जो प्लेन पार्ट है, प्लेन साइड, यहाँ पे आप ये डायग्राम बनाएंगे. ड्रॉ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड, सबका एक एक एग्जाम्पल. लाइक रूट का कैरेट हो गया, स्टेम का एग्जाम्पल पोटैटो, लीव्स स्पिनच, फ्रूट मैंगो, फ्लावर सनफ्लावर, एंड सीड्स में मेज. सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ. यू विल ओनली यूज क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स. स्केच पेंस कोई भी नहीं यूज करेगा. और बहुत ही नीटली ड्रॉ करिएगा डायग्राम, एंड डू द वर्क वेरी नीटली. मार्जिन देख लीजिए कहाँ ड्रॉ करनी है आपको, वैसे ही कीजिएगा. एंड लर्न द वर्क. थैंक यू.